बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अल्लाह की रहमत से सब ठीक होंगे। आज मैं बनाने लगी हूँ सब्जियां वाला पुलाव। मैं नाल नाल ही तो दिखाऊंगी कि कड़िया कड़िया मैं ये सब्जियां डालूंगी। हम मैं बनाना शुरू कर दी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं ये 4 चम्मच हल्दी डाल लिया, कढ़ाई उत्ते रख देती हूँ, आग जला दूंगी ये नीचे। एक मैं प्याज लिया से, प्याज बड़ा से थोड़ा, उन मैं इस तरह करके लंबा लंबा कट लिया। ये मैं डाल दूं कढ़ाई च, और इनमें थोड़ा जो फ्राई करूंगी। बहुत ज्यादा इन काला नहीं करूंगी कि बहुत ज्यादा जिम्मे सड़ जाता वो मैं नहीं करूंगी। बस थोड़ा जहा ब्राउन जहा होगा ना, तो बस फिर इन उन्नी देर तक इनमें फ्राई कर दूंगी। इस तरह लंबा लंबा कटिया हुआ मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, प्याज मेरे फ्राई हो गए। बस इन्हें फ्राई करने, इस तो ज्यादा काली नहीं करने में। और मैं इसमें डाल दूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट। थोड़ा जेगा कच्चापन दूर करूंगी। सब्जियां वाले जेड़े बनाई गए ना पुलाव, बहुत मजेदार बनता, बहुत टेस्टी होंगे। गा अजकल का मौसम है, सब्जियां भी तुम बनाओ, बना के खाओ। हम मैं वही डालूंगी टमाटर। मैं 3-4 टमाटर लाए, 3 टमाटर वो लेके उन्होंने थोड़े थोड़े इस तरह करके लंबे लंबे कट लाए। इन्होंने थोड़े से फ्राई करूंगी। बस थोड़े थोड़े इन्होंने फ्राई कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, टमाटर मेरे थोड़े से फ्राई हो गया। मैं लिया हुआ थोड़ा जहा जीरा लिया हुआ, 5-7 लौंग होंगे वो लाया, थोड़ी जी दालचीनी, थोड़ी इन्हें काले मिर्चा, 2-3 तेज पत्ते। मैं बहुत ज्यादा मसाले नहीं डालते, बस इन्ने की डालूंगी मैं। फिर भी कुछ मसाले डाल ही लेगा। अक्सर लोग होंगे कि मसाले के बगैर नहीं खाते, इसलिए फिर मैं थोड़ी जी मैं भी डाली हूँ। और मैं इन दूंगी थोड़ा जो 5 चिटा, ताकि मेरे जो प्याज फ्राई हो ना उस तो ज्यादा काले ना हो जाए। और मैं कुछ डाल दूंगी हरिया मिर्चा, लेकर इन्होंने मैं इस तरह करके डालूंगी करके। एक मेरे को लाल मिर्च भी है, ये भी फ्रेश लाल मिर्च का, ये भी डाल दूंगी। बस मैं 4-5 हरी मिर्चा डाल देती हूँ। थोड़ी सी डालूंगी लाल मिर्च, आधा चम्मच। अगर तुम लगे कि मसाला जल रहा वा जल रहा वा, तो फिर ये ना थोड़ा अगर डाल दो पानी का छिटा दे दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मसाला मेरा बन गया है अच्छी तरह। हम मेरे डाल देनी है गाजरा। मैं 4-5 गाजरा लिया से, उन्होंने इस तरह करके काट लिया, लंबिया लंबिया थोड़िया थोड़िया छोटिया भी हैं, थोड़िया लंबिया। बहुत
ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੰਬੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀਆਂ, ਬਸ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਰਕੇ। ਮਟਰ ਡਾਲ ਦੂੰਗੀ, 1.5 ਕੱਪ ਮਟਰਾਂ ਦਾ ਰੋਗਾ ਇਹ ਡਾਲ ਦੂੰਗੀ। ਆਲੂ ਆਲੂ ਡਾਲ ਦੂੰਗੀ, 3 ਆਲੂ ਲਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਕੱਟ ਲਏ। ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਕੁ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁੰਨਣਗੇ। ਨਮਕ ਡਾਲ ਦੂੰਗੀ, ਨਮਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਡਾਲੋਗੇ। ਮੇਰੇ 1 ਕਿਲੋ ਚਾਵਲ ਹੈ, 1 ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਈਆਂ। ਬਸ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੰਨੂੰਗੀ। ਬਸ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਫਰਾਈ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਡਾਲ ਦਿੰਦੀ ਪਾਣੀ। ਮੇਰੇ 1 ਕਿਲੋ ਚਾਵਲ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ 2 ਕੱਪ ਆ ਮੇਰੇ ਚਾਵਲਾਂ ਦੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੁਣ 3 ਕੱਪ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਾਲ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਬਸ 3ਰਾ ਕੱਪ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਡਾਲਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਉਬਾਲਾ ਆਉਂਦਾ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਉਬਾਲਾ ਆਉਂਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤੂੰ। ਬਸ ਢਕਣ ਦੇ ਕੇ ਉਬਾਲਾ ਆਉਂਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ, ਪਾਣੀ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਉਬਾਲਾ ਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਮਕ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਮਕ ਕਮ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਮਕ ਹੋਰ ਡਾਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਮਕ ਸਹੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਡਾਲੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਮਕ ਕਮ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਮਕ ਡਾਲ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਚਮਚ ਭਰ ਕੇ ਨਮਕ ਦੇ ਡਾਲੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਲ ਦੂੰ ਚਾਵਲ। ਚਾਵਲ ਮੇਰੀ 1 ਕਿਲੋ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ, ਧੋਤਾ, ਧੋ ਕੇ 15-20 ਮਿੰਟ ਭੇਜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਡਾਲ ਦੂੰਗੀ ਚਾਵਲ। ਬਸ ਚਾਵਲ ਡਾਲ ਦਿੱਤੇ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ। ਹਿਲਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੱਕਣ ਦਊਂਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪਕਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਢੱਕ ਕੇ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਢੱਕਣ ਉਤਾਰ ਕੇ ਵੀ ਪਕਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪਕਾ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪੱਕਣ ਦਊਂਗੀ ਹੁਣ ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ਕ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ, ਬਸ ਮੇਰੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਦੇਰ ਆ ਦਮ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਲਾਂ। ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਡਾਲੀਆਂ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਡਾਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਡਾਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬੰਦ ਗੋਭੀ ਡਾਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਉਹ ਡਾਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਸ ਅਜੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਹੋਰ ਆ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਮ 'ਤੇ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ, ਬਸ ਚਾਵਲ ਮੇਰੇ ਦਮ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ।
एक दफा इन्होंने सारे नहलाएंगे। बस मैं ये तीन चार सबज मिर्चा डालूंगी ऐसे तरह ही हम इन्हें दलते रख दूंगी। बस दमते में रखते आगे की कम कर दूंगी, आग बिल्कुल कम कर दिया हम इन 10 मिनट तो बाद में इन खोलूंगी, फिर मिलते हैं 10 मिनट तो बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 10 मिनट हो गया हम मेरी दाल खोल दी। माशाल्लाह 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 बहुत अच्छे मिर्चा बन गया। माशाल्लाह बहुत अच्छे बने हैं, बिल्कुल एन अड्डो अड्ड बने हैं। इसी तरह ही बनाया कि बना के सारियां सब्जियां डालो, अजकल तो फ्रेश सब्जियां आ रही हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छियां सब्जियां आ रही हैं, डाल के बनाओ बना के खाओ। तो मैं कमेंट करके जरूर दसा दे कि किन्नी अच्छे बनते तो किन्नी मजे के बनते हैं। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आए, जरा भी पसंद आती है तो मेरी वीडियो लाइक करया करो, शेयर करया करो, सब्सक्राइब करया करो। बस हम मैं सारे हिला दूंगी एक दफा, जो तुम दम तो चावल खोलते हो ना उन्होंने एक दफा सारे हिला दो, इसलिए कि फिर वो जो तुम एवें बंद करके रख देने दम बंद करके रख देने तो फिर ये जुड़ जाते हैं चावल। जो तुम खोलते हैं इन हिला देने एक दफा सारे चम्मच ना हिला देने फिर बिल्कुल भी नहीं ये जुड़ते नहीं थे जरा भी। बस मैं इन एक बार सारे हिला देनी हूँ, हिला के एक दफा सारी फिर तुम डिश ऑफ करके दिखाई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैं सारे चावल अच्छी तरह हिला देते हैं, इन्होंने हिलाया तो माशाल्लाह बहुत अच्छे है, लंबे लंबे बने भी, लंबे लंबे मैं तुम नजदीक तो दिखाने हैं, बहुत लंबे लंबे बने हैं माशाल्लाह, इतने लंबे लंबे बने ये देखो। सारे हिला के रखते हूँ इन्होंने, मैं ऐसे तरह कवर करके रख दूंगी, हूँ बिल्कुल जुड़न दे नहीं एक दूसरे के ना, बेशक तुम अद्धा घंटा पौना घंटा रख लवो गर्म भी रहते तो जुड़न दे भी नहीं एक दूसरे के ना। अगर तुम हिलाओगे नहीं उस तरह ही दम तो ला के माड़े जे हिलाओगे हिला के रख दें फिर ये जुड़ जाते एक दूसरे के नाल जुड़ जाते हैं फिर। बस ये ही मैं इजाजत दो, अल्लाह हाफिज, आप दिन दुआव बहुत सारा याद रखना, अल्लाह हाफिज। चलो।